नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक्निकल जस्सी। तो दोस्तों आज हम फेसबुक मैसेंजर की प्राइवेसी सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी सेटिंग का जो ऑप्शन है वो लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं किया था, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे यूज़र्स के कॉमेंट आ रहे थे कि प्राइवेसी सेटिंग, फेसबुक मैसेंजर की प्राइवेसी सेटिंग के बारे में आप और वीडियो बनाएं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। हम चलते हैं मैसेंजर में। मैसेंजर में जाने के बाद जो ऊपर लोगो लगा हुआ है, ये जो लोगो लगा हुआ है मतलब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है प्राइवेसी का। ये प्राइवेसी का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये जो सबसे पहला जो फीचर्स है ये फेसबुक में नया ऐड हुआ है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैसेज डिलीवरी, मैसेज डिलीवरी, डिसाइड वेदर मैसेज रिक्वेस्ट गो टू योर चैट्स लिस्ट एंड योर मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर वेदर टू रिसीव देम एट ऑल। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑन फेसबुक। जो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं वो आपको किस प्रकार से मैसेज कर सकते हैं, तो इसमें वो मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। वो आपसे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर आपको इसको चैट के ऊपर कर देते हैं तो वो आपसे डायरेक्ट मैसेंजर में चैट कर सकेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है डोंट रिसीव रिक्वेस्ट, तो इसमें वो आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको कोई रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड के जो फ्रेंड हैं वो कुछ भी मतलब नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये टर्न ऑफ रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक इसको अपडेट करना पड़ता है, मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा, आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आता है पहला, ऐड योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आप यहाँ इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आपका उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड योर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट टू अकाउंट सेंटर फॉर मोर मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। इस प्रकार के ये फंक्शन काम करता है, तो इसमें ये थोड़ी लोडिंग लेगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या क्या होता है। अभी थोड़ी लोडिंग इसकी चल रही है। तो दोस्तों इसमें आप ऐड योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसमें आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इससे जो अगला फीचर आता है ओदर ऑन फेसबुक, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं जो आपके फ्रेंड नहीं है या फ्रेंड के फ्रेंड नहीं है वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज ना भेजें फ्रेंड के फ्रेंड, तो आप जिनको आप जानते नहीं हैं वो आपके पास मैसेज ना भेजें, इसके लिए आप ये सेटिंग जो दूसरे नंबर की सेटिंग है इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ओपन कर दिया, अभी अपडेटिंग हो जाएगा। अभी कोई भी अदर पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं हैं वो आपके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। तो थोड़ा बैक आते हैं, अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो अटैच रहता है इंस्टाग्राम से मैसेंजर, तो वहाँ मैसेज रिक्वेस्ट भी भेजी जा सकती है और वो सेम ही प्रोसीजर रहता है डोंट रिसीव रिक्वेस्ट। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये मैसेज डिलीवरी के जो फंक्शन थे वो आ गए हैं। अभी सेकंड नंबर पे जो आता है ब्लॉक्ड अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं
हमारे पास वो सारे पर्सन शो हो जाएंगे। अभी मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, इसलिए कोई फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ लिस्ट दिखाई दे जाएगी। आपने जिस जिस को ब्लॉक किया है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे, आप उनको अनब्लॉक कर सकते हैं। उससे जो अगला फीचर आता है लॉगिन्स का, लॉगिन्स का मतलब ये होता है दीज लॉगिन्स कैन सेंड एंड रिसीव एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज और कॉल, गो टू फेसबुक सेटिंग टू सी ए फुल लिस्ट वेयर यू लॉगिन। ये जो मैसेंजर है ये पानीपत में हरियाणा इंडिया में लॉगिन है, जैस्मिन स्पोर्ट। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। थोड़ा बैक जाएंगे तो सिक्योरिटी अलर्ट को आप ऑन कर देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी इसमें बन जाती है। फिर शो अलर्ट इन द चैट व्हेन कॉन्टैक्ट्स की चेंज। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट की बना रखी है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के फीचर्स दिखाई देते हैं। इससे जो अगला जो ऑप्शन है स्टोरी ऑडियंस का, स्टोरी ऑडियंस में आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स ओनली रहता है, आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। पब्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड हो या फ्रेंड के फ्रेंड हो या कोई अनोदर पर्सन हो वो भी आपकी स्टोरी को देख सकता है। आप चाहते हैं कि ओनली फ्रेंड ही आपकी स्टोरी को देखें तो उसमें ओनली फ्रेंड कर सकते हैं। और कस्टम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस किस को मतलब स्टोरी आपकी देखनी चाहिए, तो यहाँ से इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके उसके बाद ऊपर जो अप्लाई का ऑप्शन आता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आता है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा। फ़िलहाल मैं फ्रेंड्स ओनली कर देता हूँ। इसके नीचे हाइड स्टोरी आता है, हाइड स्टोरी में आप अपनी स्टोरी को हाइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं देख पाएगा। उससे जो अगला ऑप्शन आता है म्यूटेड स्टोरी, म्यूटेड स्टोरी पे हम जैसे क्लिक करते हैं स्टोरी यू आर म्यूटेड, मतलब मैंने अपनी स्टोरी को म्यूटेड नहीं किया है इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। आपने अगर किसी को म्यूट किया है तो वो यहाँ दिखा देगा, यहाँ से आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग थी फेसबुक मैसेंजर की जिन्हें आप लागू कर सकते हैं। बाकी डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि किस प्रकार मैसेंजर की सेटिंग की जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।